सो गाइस Amazon Flipkart पर सेल आ चुका है और सभी स्मार्टफोन पर बहुत बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। लेकिन आज मैं आपको अंडर 15,000 बजट के बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, जहां पे आपको MediaTek Dimensity का 900 वाला प्रोसेसर, 6000 mAh की बैटरी, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है Moto G62। गाइज Moto G62 के फीचर्स देखे तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट वाला 6.5 इंचेस का फुल HD+ LCD डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon का 695 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो Moto G62 में आप नॉर्मल गेमिंग आसानी से कर सकते हो। Snapdragon 695 प्रोसेसर होने की वजह से यहाँ पे आपको 4K वीडियोस रिकॉर्ड और प्ले करने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो फोन के दोनों कैमरा अच्छी इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं। Moto G62 Android 12 पे बेस्ड एक क्लीन यूजर इंटरफेस पे रन करता है, जहाँ पे आपको ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलते। 5G कनेक्टिविटी के लिए फोन में 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। नाउ फाइनली बात करें फोन के प्राइस की तो इसका 6 128GB वाला वेरिएंट डिस्काउंट ऑफर के बाद 14,000 में आसानी से मिल जाएगा। तो अब बात करें अगले स्मार्टफोन की तो हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे आता है पोको M4 Pro 5G। बात करें स्मार्टफोन के फीचर्स की तो यहाँ पे MediaTek Dimensity का 810 वाला पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। फोन में 6.6 इंचेस का फुल HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है। कैमरा फीचर्स में 50 मेगापिक्सल का रियर और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिससे आप बहुत शानदार इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 33 वॉट का टर्बो चार्जर मिलता है। यहाँ पे आपको 7 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आप BGMI जैसे गेम्स को लंबे टाइम तक आसानी से एंजॉय कर सकते हो। फोन में लैग या फिर हीटिंग जैसा इश्यू देखने को नहीं मिलता। सो गाइज अगर आप एक ट्रू गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हो, जहाँ पे आपको एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी मिले, तो आप इस फोन के 8 128GB वेरिएंट को 15,000 में डेफिनेटली बाय कर सकते हो। नाउ फाइनली बात करें बेस्ट फोन अंडर 15,000 की तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है टेक्नो पोवा 5G। गाइज यहाँ पे आपको बहुत शानदार फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर, 6000 mAh की बड़ी बैटरी, LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज। बात करें फोन के डिस्प्ले की तो 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट वाला 6.9 इंचेस का फुल HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 180 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है। कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल का रियर और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि डिसेंट क्वालिटी की इमेजेस कैप्चर कर लेता है। इस फोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी आती है, जो कि 18 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। फोन का परफॉर्मेंस देखे तो यहाँ पे आप सभी गेम्स को हाई ग्राफिक्स पे बड़ी आसानी से लंबे टाइम तक खेल सकते हो। 5G कनेक्टिविटी के लिए फोन में 11 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइज अगर आपको गेमिंग के लिए अंडर 15,000 में कोई तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसके 8 128GB वेरिएंट को परचेज कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।